नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से लड़कियों की तस्करी कर उन्हें वेश्यावृत्ति जैसे गंदे धंधे में धकेलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेली असम की रहने वाली एक युवती मानव तस्करी के जरिए ऊना में हिमाचल में पहुंची। युवती किसी तरह से इन लोगों के चंगुल से निकल पुलिस तक पहुंची और पुलिस को अपनी व्यथा बयान की, जिसके बाद पुलिस अब तक इस मामले में 3 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। युवती की माने तो उसे असम से दिल्ली काम करवाने के लिए लाया गया था, जिसके बाद उसे लुधियाना में भेज दिया गया। लुधियाना में उसे गलत काम करवाया गया और उसके बाद उसे जलंधर भेज दिया गया और वहां भी उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया गया। जलंधर से पीड़िता को ऊना जिले के एक ही गाँव की दंपत्ति अपने साथ ले आए और यहाँ पर फिर से पीड़िता को लोगों के सामने परोसने का धंधा शुरू कर दिया गया। ऊना जिले की इस दंपत्ति पर पहले भी वेश्यावृत्ति का मामला दर्ज है। युवती जब यहाँ से जाने की बात करती थी तो दंपत्ति उसके साथ मारपीट करते थे। इस सब से तंग आकर एक दिन पीड़िता इन लोगों के चंगुल से भाग निकली और पुलिस की शरण में पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। ऊना महिला पुलिस थाना की प्रभारी इंदु कुमारी ने बताया कि 25 जुलाई को पीड़िता ने पुलिस में ऊना की दंपत्ति द्वारा उससे वेश्यावृत्ति करवाने की शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया था। उसे पीड़िता के असम से ऊना पहुंचाने की परतें खुली और पंजाब के जलंधर से 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को दबोचा गया। वहीं मानव तस्करी के सवाल पर महिला थाना की प्रभारी ने कहा कि अभी तक एक पीड़िता ही पुलिस के पास पहुंची है। बता दें कि अभी इस मामले में मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। थाना प्रभारी की माने तो इस मामले की गहनता से जाँच की जा रही है। एक बंदा ने आई है आके उधर काम करते थे बंगाल की मम्मा बोलती थी तू गाड़ी काम कर रही है ऐसे ऐसे हाथ पैर तेरी बौछी जा रही है तू मेरे को तेरे को अच्छी काम लगा दी। मैंने तो कहा काम लगाना बोलती थी दिल्ली। मैं दिल्ली कौन सी जगह बोलती दिल्ली जहाँ मर्जी हो जाए तू अच्छी काम। मैं अब बंदा मैं चुनानी किसी जवाब के साथ बोलती थी मेरी चुनानी भी मेरे साथ में हूँ। फिर मैंने बोलते अपनी जुनानी के साथ बात करा देना मेरे को। फिर उसके जुनानी के साथ मेरी बात हुई है उसने बोलते अच्छी काम है तू आ जा। फिर आने के बाद उसने डेली एक हफ्ता मेरे को रखते थे। रखने के बाद उसने लुधियाना लेके आया उधर कमरा किराया ले लिया। लेने के बाद सोनू नाम की एक बंदा उसने सत्य रात काम के लिए भेज दिया मेरे को उधर। एक हफ्ता काम किया काम करने के बाद प्रधानी को लेके आई है बोलती थी वो मेरी बहन है लेके आई उसने 50,000 ले लिया। 50,000 लेने के बाद उसने चल गया। प्रधानी एक महीना मेरे को गलत काम किया। गलत काम करने के बाद पूजा ने मेरे को 20,000 दे के लेके आई है बोलती थी तो 20,000 उसको बोला एक हफ्ता के लेके आई चिंतू बोले। उसने काम करने के बाद मैंने बोला दीदी तेरे साथ एक बात है कि मेरा बोलती क्या बात मैं क्या बात मैंने मेरे तेरे नंबर दे मैं फ़ोन कर लूँगी तेरे साथ। फिर बोल मैं फ़ोन किया उसके मोबाइल से फ़ोन करने के बाद मैंने बताई है तो मेरे को घर पहुँचा देगी बोलते ठीक है मैं घर पहुँचा देगी तेरे को एक महीना मेरे पास काम कर लो। फिर काम करने के बाद एक महीना काम किया उसने फिर मेरे को चिंतूपुनी लेके आई है बोलते तेरे को काम करना पड़ेगा। मैं इतना कोशिश कर रही हूँ बाहर निकलने लेकिन बाहर नहीं निकल रही। इतना मार दूर करती थी मेरे को बोलती थी काम करना ही पड़ेगा तेरे को। मैं बोलती मैं घर जाना। फिर मेरे पापा फ़ोन किया पापा फ़ोन करने के बाद उसने बोला कंपनी से काम कर रही मैं अभी बताया नहीं मैं गलत काम कर रही हूँ पापा को बताया नहीं। फिर उसने बोला 25 तारीख को तेरे को टिकट काट दो क्योंकि 25 तारीख 7 तारीख बोल के बहुत टाइम हो गया उसने मेरे को घर नहीं भेज रही है। फिर बोलती थी काम करना पड़ेगा। मैंने बोलते दीदी मेरे को पैसा की ज़रूरत नहीं मेरे को घर जाना चाहिए मेरी इज्जत लगे बोलती तेरे को घर नहीं भेजूँगी। उसने घर उसके घर वाला भी मार डालती थी कि उसने भी मार डालते कम से कम उन लोग मेरे को देखे 4-5 लाख कमाई है फिर भी घर नहीं भेजता था। तो आपसे गलत काम करवाते थे? हाँ जी गलत काम कराता। तो क्या उनके पास लोगों का आना जाना लगा रहता था? हाँ जी। फिर उसने मेरे को बोला जो चिंतपुर्ण काम खत्म हो गया अभी काम नहीं है गोल्डी की बस लेके गया। गोल्डी की बस लेके जाने के बाद उसने 2 महीना मेरे को काम किया। काम करने के बाद 1 रुपये भी मेरे को दिया नहीं उन लोग को पूजा ने सारे पैसा ले लिया। लेने के बाद उसने 3 दिन पहला उसके घर चल गया उसकी घर वाला बीमार थी उधर चल गया। चलने के बाद उसने गोल्डी ने उसकी बीबी को लेके बाहर चला घूमने के वास्ते उसकी बहन की घर। फिर मैं रात 4 बजे निकल के मैं इधर आ गया। 24 जुलाई की बात है थाना में सूचना मिली कि एक रेड उम्र की महिला पालमपुर बाजार में घूम रही है। इस पर हेड कॉन्स्टेबल सुरेश को मौका और भेजा गया। जब उसने वहाँ से उस महिला को लाया तो उसने पूछने पर अपना नाम तारा बतलाया। अपने नाम पते बारे में कुछ भी नहीं बतला रही थी। उसकी दिमागी हालत भी पूरी तरह से ठीक नहीं लग रही थी।
इसे थाना में सुरक्षित लेडी कांस्टेबल के पास रखा गया और इसके बारे में इंक्वायरी करी गई। अलग अलग माध्यमों से इसकी डिटेल जो है अलग अलग ग्रुप्स में भेजी गई। एक नेशनल पुलिस ग्रुप बना हुआ है जिसमें हिंदुस्तान के पूरे अफसर जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में इसकी डिटेल मैंने अपलोड करी तो वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स कोई नहीं आया। उसके बाद नेपाल पुलिस में मेरे एक मित्र हैं, उनके हाथ मैंने इसकी डिटेल, इसका नाम और इसकी एक वीडियो बनाकर जिसमें बोलती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि उसकी भाषा भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, उसको शेयर किया। उसके बाद वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, उन्होंने अपनी टीम में भेजी और शाम को लगभग 5 घंटे के बाद उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया कि हाँ, इस तरह की एक महिला यहाँ से गुम हुई है लगभग 7 महीने पहले लोहड़ी के समय पे, और उसकी मिसिंग की रिपोर्ट भी नेपाल पुलिस में दर्ज हुई है। उसकी फ़ोटो वहाँ भेजने के बाद उसके घरवाले को दिखाई गई, उसके घरवाले ने यहाँ आने वाला हमें भरी। जब उसके आने तक इसको लगभग 6-7 दिन तक हमने यहाँ थाने में सुरक्षित रखा, इसके खाने पीने का पूरा इंतजाम हमने किया, थाने की मैस से इसको खाना खिलाया गया और इसका घरवाला भी आया हुआ है यहाँ पे, तो उसने इसको शिनाख्त किया और बताया कि लोही के समय पर इसकी वाइफ जो है घर से गुम हो गई थी और इसकी दिमागी हालत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। अगर नेपाल पुलिस के साथ इसकी डिटेल साझा नहीं होती तो शायद ये अपने परिवार तक पहुंच पाती और मतलब अपने जीवन को अंधकार में ही रहता इसका जीवन। हमारे पास कंप्लेंट आई थी, उसने हमारे पास कंप्लेंट थी कि उसको जो था डोंगो पास गाँव में दो पति पत्नी जो था वो अपने घर में रखा हुआ था और उससे जो था वो गलत काम कर रहा था। फिर आगे उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो जो थी उनके पास जो था उसको पूजा और हैरी ने पहुँचाया था। फिर पूजा और हैरी से जो था वो पंडितानी नाम की कोई लेडी है जालंधर में रहती है, उससे उसके बाद जो था वो पूजा के पास आए थे और पंडितानी के पास जो था वो किसी बाबू राम ने पहुँचाया हुआ था उसको। और एक्चुअली जो विक्टिम है वो असम की रहने वाली है, तो कम से 1 साल पहले बाबू राम उसको जालंधर में पंडितानी के पास ले गया था, पंडितानी से पूजा के पास आई, पूजा से फिर सोनिया और गोल्डी जो था उसको अपने घर ले आए थे डंगो पास में और वहीं उससे जो था वो धंधा करवाते थे, कभी घटना में ले जाते थे कभी अपने घर में करवाते थे। तो मैडम क्या ऐसा भी माना जा रहा है कि ये लोग जो है ये लड़कियों की तस्करी किया करते थे? हाँ, जिस तरह अभी तथ्य है कि विक्टिम है हमारे सामने और बाकी तथ्य चली हुई है, जैसे भी आएगा तथ्य सामने आएंगे। तो क्या मैडम इन लोगों के तार आगे भी किसी से जुड़े हुए हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है? सर, एक मेन है कि उसने पकड़ा जा रहा है जो इसको वहाँ असम से लेके आए थे, अगर वो पकड़ा जाता है तो आगे पता लग जाएगा कि वो मतलब कि मानव तस्करी में इन्वॉल्व है कि नहीं है, कहाँ से लेके आते हैं, कैसे लगते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।